जिंदल प्रबंधन द्वारा की गई वादा खिलाफी को लेकर रायगढ़ के ग्राम कोसमपाली के ग्रामीण सड़क पर उतर आए। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि जिंदल सीमेंट प्लांट के बगल में स्थित राखर डैम की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि ग्रामीणों पर खतरा बना हुआ है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बावजूद इसके जिंदल प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिला प्रबंधन द्वारा की गई वादा खिलाफी को लेकर रायगढ़ के ग्राम कोसमपाली के ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। मामला दरअसल जिंदल के सीमेंट प्लांट से जुड़ा, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि जिंदल सीमेंट प्लांट के बगल में स्थित राखर डैम की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि ग्रामीणों को खतरा बना हुआ है। वहीं निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार नहीं बना है। प्रकार ग्रामीणों की तकरीबन 7 सूत्रीय समस्याएं और भी हैं, जिसके निराकरण की मांग उन्होंने जिंदल प्रबंधन सहित प्रशासन से भी की थी, लेकिन उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जिंदल प्रबंधन उनकी मांगे पूरी नहीं करता, आर्थिक नाकेबंदी और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं जिंदल द्वारा बहुत वादा खिलाफी किया जा रहा है, जिसको हम लोग बार बार ज्ञापन के द्वारा जिंदल को भी ज्ञापन दिए थे, उसके बाद भी जिंदल तरफ से कोई प्रतिक्रिया अपने पास नहीं आई। रेजिडेंट साहब के कार्यालय में उसने ज्ञापन दिए, 7 दिन के अल्टीमेटम दिए थे, उसके बाद किया जा रहा है। बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं। पीछे दिख रहा होगा राखर डैम, उसमें वो अपने दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है। नीचे में बस्ती है वहाँ, जबकि 5-7 किलोमीटर बाद होनी चाहिए ये सब चीज। उसका मेन मांग है, उससे प्रदूषण जो फैल रहा है, यहाँ जीना मुश्किल हो गया है और स्थानीय जैसे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। यहाँ गांव में कितने बेरोजगार हैं जो इधर उधर रोजगार अपना खोज रहे हैं, जबकि यहीं से। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।